जबरदस्त। लेकिन भाई ये तो ज़्यादा छोटा नहीं हो गया? तो आपने ऐसे बहुत सारे YouTube पे वायरल वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे नचाई गए बॉल रॉकेट्स का यूज करके, लेकिन बहुत छोटा है यार। सही बात है, बॉल भी चकनी में मजा बहुत आता है, इसलिए एक बार और। वो वो बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। सोचो बड़ी वाली कितनी अच्छी नाचेगी। लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, रॉकेट की बजाय अनार लगाते हैं। इसमें स्पीड तो नहीं होती लेकिन पावर बहुत होती है, दो छोटे अनार एक छोटी बॉल के ऊपर। तो हमारा जुगाड़ बन के तैयार है और बैलेंस भी हो गया। वो ये सब क्या हो गया, बैलेंस नहीं हो पाया, बॉल फूट गई। बोल रहा हूँ, इन छोटी मोटे सैंपल से पता चल रहा है कि अगर ये बैलेंस हो जाए तो अनार की चक्री बहुत ही मस्त बनेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग छोटे अनार लगाने वाले हैं इस बड़ी बॉल में, क्योंकि उम्मीद है इसमें बैलेंस ज़्यादा आसानी से बनेगा। फिर यहाँ पे हमारा जुगाड़ बनके तैयार है, बॉल में लगा दिया अभी सिर्फ दो अनार, इसके बाद लगाएंगे चार। यहाँ पे देखो हमने पेपर टेप का इस्तेमाल किया कि प्लास्टिक का टेप पिघल सकता है। अब देखते हैं ये बैलेंस होके कितना अच्छे तरीके से नाचता है। अभी बैलेंस है या नहीं, अभी तो बैलेंस लग रहा है। ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है कि कोई प्लैनेट घूम रहा हो, चका चक चका चक चका चक, एकदम जबरदस्त घूमा। जब चार लगाएंगे तो और मजा आएगा, लेकिन अब बड़े वाले चार लगाएंगे। फाइनली यहाँ पे हमारा ये नया प्लैनेट बनके तैयार हो गया। आप लोग इसका नाम कमेंट में बताना है कि कौन सा प्लैनेट है जो घूमेगा। तो चलो घुमाते हैं अपना ये जबरदस्त प्लैनेट। देखिए बैलेंस है या नहीं, बैलेंस तो है ठीक ठाक। 3 2 1 रुको जरा, सबर करो। भाई बहुत ही ज्यादा गजब घुमा है। यहाँ पे हमारी बॉल सर्वाइव कर रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई नई दुनिया घूम रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।